बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ANN न्यूज़ और हेडलाइंस के साथ मैं हूं मोहम्मद इमरान जाफर। अभी ऐसे हालात नहीं कि मुल्क में लॉकडाउन करें, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सहाफियों से गुफ्तगू। कहा मुतासर इलाकों की निशानदेही कर रहे हैं, कोई पता नहीं कोरोना कब कंट्रोल होगा, अफरा तफरी फैली तो मरीजों को संभालना मुश्किल हो जाएगा। इमदादी पैकेज का ऐलान मंगल को करेंगे। चेयरमैन NDMA ने कहा कि कोरोना से लड़ने के लिए तैयार हैं। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी राबता कमेटी का इजलास, मुल्क में अभी लॉकडाउन करने पर इत्तेफाक। सियासी और अस्करी क़यादत का कोरोना की रोकथाम के लिए हिफाजती इकदामात में मजीद सख्ती करने का फैसला। सूबाई नुमाइंदों की सूबों में इंतजामात पर ब्रीफिंग। कोरोना पाकिस्तान में 3 जाने ले गया। कराची में पहली हलाकत, मरने वाला 73 साल शख्स बैरून मुल्क से पाकिस्तान आया था। खैबर पख्तूनख्वा में 2 अफराद जहां बहक हो गए। मुल्तान में सबसे बड़ा करंटीना कायम, 1247 जायरीन को अलग अलग कमरों में रखा गया। चारपाई, चप्पल, साबुन, बिस्तर और दीगर अशिया दस्तियाब है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, ज़िलाई इंतजामिया के साथ लम्हा बा खबर और राब्ते में हैं, अवाम हुकूमत के इकदामात पर अमल करें। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। आज मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश का इम्कान है। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक मुख्तसर वक्फे के बाद।